Hello guys, welcome to Study with Fascination. This is NSO Olympiad, Class 7, Chapter 9, Respiration in Organism. This is question first. Which of the following is the correct path of oxygen in humans during inhalation? यानी कि जब आप सांस लेते हो तो जो ऑक्सीजन है आपकी कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो देखिए जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी ऑक्सीजन है नॉस्ट्रिल, यहाँ से जाती है ऑक्सीजन, फिर नेसल कैविटी में, फिर ये जाती है आपकी फैरिंक्स में, ये आपका फैरिंक्स, नेक्स्ट आपकी जाती है ये आपका ट्रेकिया एंड नेक्स्ट जाती है आपकी ब्रोंकी एंड उसके बाद जाती है आपकी ये आपकी ब्रोंकियोल्स एंड नेक्स्ट जाती है यहाँ पे ये जो है ये है एल्वियोली। सो ये है ऑक्सीजन का करेक्ट पाथ। ओके, सो आंसर होगा ऑप्शन ए। दिस इज क्वेश्चन सेकंड। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सो दो कॉलम दिए गए हैं, आपको इनको मैच करना है। अर्थवर्म, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ट्रेकियल रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ऑप्शन ए है अर्थवर्म। सो ये है ऑप्शन ए अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर होता है आपका क्यूटेनियस रिस्पिरेशन, जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हो, ये आपका अर्थवर्म है और ये जो है गैस एक्सचेंज करता है थ्रू द स्किन, ठीक है। सो इसके अंदर होता है आपका क्यूटेनियस रिस्पिरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर पल्मोनरी, ब्रैंकियल, ट्रेकियल, तो ह्यूमन के अंदर जो रिस्पिरेशन होता है ये होता है आपका पल्मोनरी रिस्पिरेशन। ये जो आप देख रहे हो ये फिगर है ह्यूमन की और इसके अंदर आपका होता है पल्मोनरी रिस्पिरेशन। नेक्स्ट है प्रॉन। प्रॉन के अंदर जो होता है आपका ये होता है आपका, प्रॉन के अंदर होता है आपका ब्रैंकियल रिस्पिरेशन, ये है आपका प्रॉन और इसके अंदर ब्रैंकियल रिस्पिरेशन होता है। इंसेक्ट, ये है आपका इंसेक्ट और इंसेक्ट के अंदर होता है आपका ट्रैकियल रिस्पिरेशन। सो आंसर होगा ऑप्शन बी। दिस इज क्वेश्चन थर्ड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द ऑप्शन which correctly identifies true and false. In cockroach, air enters the body through spiracles. During heavy exercise, we get cramp in the leg due to accumulation of carbon dioxide. Normal range of breathing rate per minute in an average adult person at rest is 12 to 18. During exhalation, the ribs moves upward. सो ऑप्शन फर्स्ट जो है इन कॉकरोच, कॉकरोच के अंदर क्या होता है आपका जो एयर होती है वो आपकी वो स्पाइरेकल के थ्रू बॉडी में एंटर करती है। सो ये जो ऑप्शन आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट, जो जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हैवी एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारे लेग्स के अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो वो किस वजह से आती है आपकी, वो आती है जब हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो उसकी वजह से। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा, ये फॉल्स है। नेक्स्ट है नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका, ये ट्रू है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स मूव्स अपवर्ड, यानी कि जब हम एक्सहेल करते हैं तो जो रिब्स होती है वो मूव करती है डाउन एंड इनवर्ड, इससे जो हमारी चेस्ट होती है उसका साइज रिड्यूस हो जाता है और फिर क्या होती है, एयर जो होती है वो लंग्स से पुश होती है और फिर क्या होता है, एयर जो होती है वो लंग्स से पुश्ड आउट होती है। सो ये जो ऑप्शन होगा फोर्थ ये होगा यहाँ पे फॉल्स। सो आंसर होगा ऑप्शन सी। दिस इज क्वेश्चन फोर्थ। Which of the following substances are present in a higher percentage in exhaled air than in inhaled air? तो exhaled air और inhaled air ये क्या होते हैं, सांस लेते हैं तो air हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है और जब सांस छोड़ते हैं तो air जो होती है हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। तो ये होता है आपका exhaled और inhaled, ठीक है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं और जो हवा अंदर जाती है तो वो होता है इनहेल्ड, और जो बाहर आती है हवा वो होती है एक्सहेल्ड एयर। आपको ये बताना है कि किस सब्सटेंस की परसेंटेज हाई है एक्सहेल्ड एयर और इनहेल्ड एयर के दौरान। तो देखिए जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो CO2 होती है उसकी परसेंटेज होती है 4.4%, और जब हम सांस लेते हैं तो जो एयर एंटर करती है उसकी परसेंटेज होती है 0.03%। तो जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। दिस इज क्वेश्चन 5th। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड टू कंप्लीट द गिवन पैसेज। इस पैसेज को आपको कंप्लीट करना है, ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। फैरिंक्स एक्चुअली हैज 2 अपर्चर, वन ओपनिंग इनटू द वाइंड पाइप एंड द अदर इनटू द ओसोफेगस। यहाँ पे आएगा आपको ओसोफेगस। The aperture opening into the wind pipe is guarded by epiglottis, तो यहाँ पे आएगा आपका epiglottis. It closes the wind pipe when you take food. So जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन C. This is question 6। Study the given experiment setup। ये जो है आपका experiment setup किया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू व्हेन द रबर सीट इज पुल डाउन, यानी कि ये जो रबर सीट है अगर आप इसको पुल डाउन करते हो तो इसके रिगार्डिंग जो कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है ये बताना है। एयर प्रेशर इनसाइड द बेल जार इंक्रीजेस, द बलून इनसाइड जार एक्सपेंड, दिस इज सिमिलर टू एक्सपेंशन ऑफ लंग ड्यूरिंग इनहेलेशन, दिस इज सिमिलर टू कंट्रैक्शन ऑफ लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। ये देखिए, ये जो है आपकी, ये आपका कॉर्क है, ये है वाई शेप ट्यूब, ये है आपके बलून, ये है प्लास्टिक बॉटल विद बेस रिमूव्ड, और ये है आपकी रबर शीट। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये जो बलून है ना आपका, ये बलून रिप्रेजेंट कर रहे हैं लंग्स को, रबर शीट आपकी रिप्रेजेंट करी है डायफ्रेगम को, डायफ्रेगम, और प्लास्टिक बॉटल ये इक्विवेलेंट है आपके चेस्ट कैविटी, ये चेस्ट के इक्वल। तो ये जो पूरा सेटअप है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनहेलेशन को। क्या रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करा आपका इनहेलेशन को। अब देखते हैं इसके अंदर की प्रोसेस को कि क्या होता है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जब हम रबर शीट को पुल करते हैं तो जो बोतल के अंदर जो स्पेस है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, और जो बलून है जार के अंदर वो इनफ्लेटेड हो जाते हैं, यानी कि वो एक्सपैंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड एंड थर्ड, यानी कि जो बलून होगा जार के अंदर वो एक्सपैंड होंगे, और दिस इज सिमिलर टू एक्सपेंशन ऑफ लंग ड्यूरिंग इनहेलेशन। सो आंसर होगा ऑप्शन बी। दिस इज क्वेश्चन 7। रीड द गिवन पैसेज एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड। सो फर्स्ट आर रिप्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, तो देख लेते हैं लंग्स, डायफ्रेगम, ब्रोंकी, ट्रेकिया। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय सेकंड ऑन द साइड विच फॉर्म ए केज लाइक स्ट्रक्चर। केज लाइक स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे आपकी रिब्स, तो यहाँ सेकंड होगा रिब्स और यहाँ होगा आपका लंग्स। नेक्स्ट, a large muscular seat called third form the floor of the chest cavity, that is diaphragm. तो आंसर होगा ऑप्शन A। This is question 8। Read the given statements and select the correct options। नीचे आपको ये कुछ statements दी गई हैं। और आपको करेक्ट ऑप्शन बताना इनमें से कौन सा होगा। फर्स्ट देखिए, इन इंसेक्ट सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यू, यानी कि इंसेक्ट के अंदर सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड होता है, वो आपकी ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाता है। सो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है आपकी। इंसेक्ट्स के अंदर स्पायरेकल्स होते हैं उनके बॉडीज में, वहां से ऑक्सीजन एंटर करती है और बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी ट्यूब्स होते हैं जिनको ट्रैकिया कहते हैं, वहां से सभी टिश्यूज तक आपकी ऑक्सीजन एंटर करती है बॉडी में। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, यीस्ट रिस्पायर एरोबिकली देयरफॉर दे आर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। यीस्ट रिस्पायर यहाँ पे एरोबिकली नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका अनएरोबिकली। और जो आपकी यीस्ट होती है इसका यूज किया जाता है वाइन और बियर बनाने के लिए। सो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट होगी आपकी। स्टेटमेंट थर्ड, ब्रोंकिट्स इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी। ब्रोंकी के अंदर जब आपकी जलन होती है तो इससे आपकी ब्रोंकिट्स नाम की डिसीज है ये हो जाती है, विच मे बी कॉज्ड ऑन एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूटेंट, और इसका जो कॉज होता है वो होता है आपका एयर पॉल्यूटेंट। सो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है आपकी। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, हेल्दी पर्सन के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लंग्स फॉर इनहेल्ड एयर इज 1500 ml, 1500 ml होती है। सो हेल्दी पर्सन के अंदर जो लंग्स के अंदर जो इनहेल्ड एयर होती है वो आपकी 4500 से 6000 ml तक होती है। सो ये स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ, स्नीजिंग एक्सपेल द फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम द इनहेल्ड एयर। तो देखिए बॉडी के अंदर जब फॉरेन पार्टिकल यानी कि डस्ट पार्टिकल जब बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो आपको स्नीजिंग होती है। सो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट थर्ड एंड फिफ्थ आपकी करेक्ट है। सो आंसर होगा ऑप्शन ए। दिस इज क्वेश्चन 9, द गिवन ग्राफ शो चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स ऑफ एन एथलीट both during and after race, at what time did the athlete finish the race? तो आपको बतानी है, ये जो है इस फिगर में कंसेंट्रेशन दी गई है लैक्टिक एसिड की मसल्स के अंदर और ये दिया गया है टाइम आफ्टर स्टार्ट ऑफ द रेस। तो आपको बतानी है कि एथलीट ने अपनी रेस कब फिनिश की। सो गाइज, जो एथलीट होगा यहाँ पे अपनी रेस फिनिश करेगा एट अबाउट 4 मिनट। सो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। देखिए ऐसा क्यों होता है, जब हम बहुत फास्ट रनिंग करते हैं तो बॉडी के अंदर अनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसकी वजह से बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा होता है। और यहाँ इस फिगर में देखिए कि एट अबाउट 4 मिनट यहाँ पे जो आपकी कंसेंट्रेशन है लैक्टिक एसिड की वो मैक्सिमम है मसल्स के अंदर, और जब एथलीट रेस को फिनिश करेगा तो जो कंसंट्रेशन होगी लैक्टिक एसिड की वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि ये यहाँ पे डिक्रीज होनी स्टार्ट हो रही, नहीं यहाँ पे इसने जो है अपनी रेस को फिनिश कर दिया है। सो लैक्टिक एसिड की जो अमाउंट है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई है। सो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 4 मिनट। दिस इज क्वेश्चन 10, A person put warm water in an aquarium. एक पर्सन ने एक्वेरियम के अंदर गर्म पानी डाला, उसने सोचा कि जो फिश हैं वो मोर कंफर्टेबल महसूस करेंगी इसके अंदर, लेकिन हुआ क्या, फिश जो है वो मर जाती हैं। What can be the reason for this? आपको बताना है इसका रीजन क्या था। So देखिए, the concentration of oxygen decrease in warm water, the concentration of carbon dioxide increase in warm water, fish cannot bear the extreme heat of the water, option D all of these. So यहाँ पे जो आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो ऑक्सीजन की जो कंसेंट्रेशन थी वो वार्म वाटर की वजह से डिक्रीज हो जाती है। सो आंसर होगा ऑप्शन ए।